नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU ने अपने स्कूल इंट्रेंस टेस्ट यानी कि CHS 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसका ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे, साथ ही साथ आपको पेमेंट करने का भी दिखाएंगे, सीट डिटेल्स है, एलिजिबिलिटी है, किस कोर्स का एग्जाम कब है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको देंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नंबर वन वेबसाइट rozgarresult.com को ओपन करना है। दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आपको फॉर्म भरना हो BHU का या कोई भी एडमिशन फॉर्म, उसके लिए नंबर वन वेबसाइट rozgarresult.com को ओपन करना है। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ओपन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इसके नीचे आप आएंगे एडमिशन सेक्शन में, आपको यहाँ पे जितने भी एडमिशन के फॉर्म है सब आपको दिख जाएंगे। देख सकते हैं इसमें बात हम कर रहे हैं CHS की, तो यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, मैं आपको फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक और वेबसाइट बता देता हूँ जो कि बहुत ही फेमस, पॉपुलर और इंडिया की नंबर वन वेबसाइट है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सरकारी रिजल्ट की। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक चीज मैं बता दूँ, जब भी सरकारी रिजल्ट खोलना है लास्ट में .com जरूर लगाना है, क्योंकि सरकारी रिजल्ट नाम से मिलती जुलती बहुत ही डुप्लीकेट और फेक वेबसाइट आ गई है, जिसमें आपको अधूरी जानकारी, इनकम्प्लीट जानकारी, पेमेंट के गलत लिंक, ये सब चीजें आपके साथ हो सकती है। इसलिए सही वेबसाइट खोलिए, sarkaririzult.com ही खोलिए। चलिए दोस्तों हम चलते हैं सीधा फॉर्म पे। एडमिशन सेक्शन में आप देख सकते हैं BHU SAT 2020 का ऑनलाइन फॉर्म आया है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको उसकी बिगिनिंग जानकारी दे देता हूँ कि फॉर्म जो है इसका 20 फरवरी 2020 से चालू हुआ है और लास्ट डेट इसकी 21 मार्च 2020 है। और अगर आपका फॉर्म में कोई करेक्शन रह गया है तो उसको आप 23 से 28 मार्च के बीच कर सकते हैं। एग्जाम इसका 1 से 6 मई 2020 को होगा, एडमिट कार्ड इसका अप्रैल में आ जाएगा और आंसर की आप देख सकते हैं इसकी 18 मई से उपलब्ध होगी और जून 2020 में रिजल्ट आ जाएगा। फीस की बात करें तो जनरल OBC की फीस 400, SC ST की 200 रुपये। इस बार फीस में BHU ने कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है, यही फीस 2019 में भी थी, यही फीस 2020 में भी है, यानी फीस में कोई भी चेंज नहीं किया है। अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी की जो एज लिमिट है वो 30 सितंबर 2020 से कैलकुलेट होगी। आप देख सकते हैं सीट वाइज डिटेल जो है sarkaririzult.com और rozgarresult.com पे उपलब्ध है, उसकी जानकारी आप देख सकते हैं। अलग अलग कोर्स के अलग अलग एग्जाम डेट है, 1 से 6 मई के बीच एग्जाम होना है। तो दोस्तों हम और टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं फॉर्म पे। एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपको और इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों पे उपलब्ध है, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं सीधा फॉर्म पे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉय स्कूल का जो है एडमिशन नोटिफिकेशन है। इसमें देख सकते हैं ये चीज़ आपको चाहिए, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, फोटो सिग्नेचर और आपको अपना पेमेंट करने के लिए ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आपको करना हो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम रजिस्टर्ड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपनी ईमेल ID डालनी है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड में कोई भी स्पेशल करेक्टर का लिंक नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा पासवर्ड आपको डालना है। जैसे आपका नाम है राहुल तो राहुल 123 इस तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, दोस्तों नीचे आना है आपको। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, देख सकते हैं मेल फीमेल। अगला ऑप्शन है आपके पिता का नाम डालना है, माता का नाम आपको डालना है, नेक्स्ट आपको एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और साइन अप पे क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों ध्यान रहे, साइन अप पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पे और जो ईमेल ID आपने डाली उस पर एक OTP जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम उसको साइन अप करते हैं मोबाइल नंबर डाल के। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी डिटेल जो है एक बार फिर से आपको वेरीफाई कराएगा कि आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही कि नहीं। हालांकि दोस्तों बाद में करेक्शन का ऑप्शन है, लेकिन बता दूं मैं आपको करेक्शन में सारी चीज़ें करेक्शन नहीं होती, इसलिए फॉर्म को अच्छे तरीके से चेक करके चलिए। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए, अगर आपको लगता है कुछ भी गलत है तो चेंज पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों हमारी सारी जानकारी सही, हम कन्फर्म करके आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे आप इसको कन्फर्म करेंगे आप देख सकते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आपकी जो ईमेल ID है उस ईमेल ID पे एक लिंक गया होगा, उस लिंक को आपको एक्टिवेट करना है। अगर लिंक आपका नहीं आया तो आप स्पैम में, जंक मेल पे इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं वापस पे, होम पे क्लिक कर देते हैं या sarkaririzult.com और rozgarresult.com पे वापस हम पेज पे चले जाते हैं और दोबारा हम अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों पिछली बार हमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था, हम साइन इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल ID और पासवर्ड जो हमने वहाँ पे जनरेट किया था उसको डालेंगे। दोस्तों एक चीज़ बता दूं आपको, जब तक आप ईमेल से इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक यहाँ लॉगिन नहीं होगा, इसलिए आपको उससे पहले मेल खोलनी है। मेल पे आपको एक लिंक आएगा, लिंक को आपको क्लिक करना है, उस पर अपनी लॉगिन ईमेल ID फिर डालनी है
और साइन इन करना है तो उससे आपका मेल आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। और साथ ही साथ बता दूं, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक 6 डिजिट का एक्टिवेशन कोड भी आता है, उसको आपको पेस्ट करना पड़ेगा या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया, हम आगे चलते हैं लॉगिन करके। दोस्तों जैसे ही आप देखेंगे, लॉगिन करेंगे, देख सकते हैं डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इतने इसमें प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रीव्यू फॉर्म है, मेक पेमेंट है, प्रिंट फॉर्म है, एग्जामिनेशन शेड्यूल है। तो चलिए दोस्तों, हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ICT आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आप किस क्लास के लिए डालना चाहते हैं। तो दोस्तों हम 9th के लिए डालना चाहते हैं, हम 9th पे क्लिक कर देते हैं। चेक एलिजिबिलिटी करते हैं, ये देख सकते हैं एलिजिबिलिटी सीए दी हुई है, 13 से 15 साल होना चाहिए, जो कि सितंबर में एग्जाम डेट दिया है। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा, 5 मई को हमारे कंफर्म करके ऐड कोर्स कर देते हैं। दोस्तों जैसे आप कोर्स पे ऐड करेंगे, देख सकते हैं ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपका कैटेगरी का ऑप्शन है, जनरल है, SC ST है, BHU के आप इम्प्लाई तो नहीं, उसका ऑप्शन पूछेगा, फिजिकली हैंडीकैप का ऑप्शन पूछेगा। अगला ऑप्शन आ जाएगा आपका एड्रेस का, एड्रेस हम वापस डाल देते हैं अपना वही बनारस वाला एड्रेस। उसके बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, और यहाँ सेव पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों मैं सेव करता हूँ। दोस्तों उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 चीज मांगा है। पहला आपका फोटो मांगा है, जो कि आपका 100 KB से कम होना चाहिए। दूसरा सिग्नेचर मांगा है, ये भी 100 KB से कम होना चाहिए। तीसरा आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर मांगा है। तो दोस्तों ये तीनों ही चीज आपको अपलोड करनी है। पेरेंट्स में आप गार्जियन का सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जहाँ भी आपके पास हो, अगर आपके पास ना हो तो आप उसको जो है फोटो वगैरह खींच के भी इसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर फोटो की क्वालिटी सही नहीं होगी तो आपका बाद में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको लगाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने अपनी तीनों ही चीज़ें जो अपलोड कर दी है, फोटो, सिग्नेचर, गार्जियन सिग्नेचर। ये गार्जियन सिग्नेचर पे यहाँ पे आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, देख सकते हैं आपका जो डिटेल्स है, जो भी आपकी डिटेल्स है, पूरी ओपन होकर आ जाएगी अच्छी तरीके से। इसको चेक कर लीजिए, कोई भी अगर करेक्शन रखता है आपको बिल्कुल नीचे जाना है पेज के बॉटम पे। बॉटम में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टिक करना है, या कंफर्म पे एंड सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो बैक करके आप उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी सारी जानकारी सही, हम कंफर्म एंड सबमिट करके आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे आप उसको कंफर्म करके आगे चलेंगे, आपका पेज जो है वापस बैक टू होम पे आ जाएगा। उसके बैक टू होम पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। अब आपको उसका फीस पेमेंट करनी, यानी अभी जो पेमेंट आईडी नहीं आई है, पेमेंट आईडी आने के बाद ही आपका फॉर्म ये कम्प्लीट होगा। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे पे नाउ एंड सबमिट का एप्लीकेशन का आएगा। और साथ ही साथ बता दो, उसमें ऑनलाइन पेमेंट चार्जेस यानी कि TDR भी 8 रुपये लग रहा है, यानी कि 4 रुपये फीस है और 8 रुपये इसमें ट्रांजेक्शन चार्ज भी लग रहा है। तो सारी चीज़ सही है, नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ सही है। अब हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका पेमेंट आप UPI से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और वॉलेट से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमको जरूर कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो के साथ टैग कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, या तो फिर sarkaririzult.com और rozgaririzult.com के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।